हमारे चैनल हिंदुस्तान केयर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं माइंड मैप किस क्लास के, तो ओल्ड एनसीईआरटी के जो क्लास 11th की प्राचीन भारत की जो पुस्तक है, उसका हम लोग पहला चैप्टर, कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर पहला का हम लोग क्या देखने वाले हैं, माइंड मैप, मतलब उसमें कौन सी प्रमुख बातें हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 11 में दो बुक और एक 12, मतलब एशियंट, मिडिल और मॉडर्न, तीनों बुक पढ़ लेने से मतलब उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से दिया हुआ है। और उस बुक को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और बहुत ही जल्द वो बुक आएगी, तो उसकी भी मैं रिव्यू लेके आऊँगी और हो सके तो उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन उसका हम लोग देखते हैं माइंड मैप। माइंड मैप मतलब उसमें फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। तो आइए देखते हैं कोई भी समुदाय उस समय क्या था। उस चैप्टर में पहला बात है कि कोई भी समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो। ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया था। और फिर ईसा की 4थी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश तक छोर तक पहुँची थी। 7वीं सदी में चालुक्य के राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया, जो संपूर्ण उत्तर भारत का अधिपति माना जाता था। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया, जो देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। यह सिलसिला ईसा की 4थी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुआ। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्य में बट गया, फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते रहे। तो पहला चैप्टर में प्रमुख बातें यही थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ और इसी तरह के माइंड मैप के साथ। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, जिससे जो भी पहली वीडियो आए उसे आप कि उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको पहले मिल जाए। और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।